नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसमें से मोस्टली क्वेश्चन पूछे आते हैं और थोड़ा सा टिपिकल भी है, इसे ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, दो जनरल इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, या जनरल इक्वेशन ऑफ जनरल लीनियर इक्वेशन फॉर टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स के लिए जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या है, जनरल मैंने आपको बताया था, उसको लिखते हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी इक्वेशन जो हम कंसीडर करेंगे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। ये दो हमने जनरल इक्वेशंस कंसीडर कर ली, इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू। इन इक्वेशंस से हम ये समझ सकते हैं कैसे निकालना है, हमें ये जानना है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। सपोज दैट ये दो लाइंस गिवन है, ये दोनों लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी या पैरेलल लाइंस होंगी या कोइंसाइड करेंगी। ये कंडीशंस जानने के लिए हम इन जनरल इक्वेशंस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। जब आप अच्छे से देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इससे पहले जो मैंने अभी तक बताया वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप पहले भी देख चुके होंगे, पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर यहाँ से हम वैल्यूज़ निकालते हैं, ठीक है, रेशियोज़ निकालना है हमें कॉन्स्टेंट टर्म के, एक्स का जो कोफिशियंट है उसका, वाई का जो कोफिशियंट है उसका रेशियो, और कॉन्स्टेंट टर्म का रेशियो। तो देखिए, अगर इनका रेशियो निकालते हैं ए वन ए टू, इनका रेशियो होगा बी वन इज टू बी टू, और इनका जो रेशियो होगा वो सी वन इज टू सी टू। ये तीन रेशियोज निकल के आएंगे, ये तीन रेशियो डिफाइन करेंगे कि किस तरीके का हमारा सॉल्यूशन होगा। तो आपके एनसीईआरटी बुक में एक टेबल दी गई है, टेबल 3.4। वो टेबल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपके पास एक टेबल है 3.4, टेबल नंबर 3.4, जिसमें दिया है पेयर ऑफ लाइंस। सपोज दैट दो पेयर ऑफ लाइन दी गई हैं, जैसे पहला दिया है एक्स माइनस टू वाई, और दूसरी पेयर ऑफ लाइन दी गई है 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू जीरो, और ये इज इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों इक्वेशंस दी गई हैं, इसमें ए वन इज ए टू का रेशियो निकालिए, बी वन बी टू का रेशियो निकालिए। तो इसमें पहले देखिए, ए वन अपॉन ए टू का जो रेशियो होगा कितना है, 1:3। दूसरा देखिए, बी वन अपॉन बी टू का जो रेशियो है वो कितना है, -2/4, दैट इज -1/2। सी वन अपॉन सी टू का जो रेशियो है वो कितना है, सी टर्म इसमें आया नहीं, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 0/-20 करेंगे तो वो 0 ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या है, हम इनके रेशियोज़ फाइंड कर लेंगे। अब रेशियो फाइंड करने के बाद इनके रेशियोज़ को हम कंपेयर करेंगे। सेकेंड, फर्स्ट क्या करना है हमें, इनके रेशियोज़ को फाइंड करना है। सेकेंडली, इनके रेशियोज़ को हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करने से हमें पता चल जाएगा कि ये ग्राफिकली और अलजेब्रिकली इनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इंटरप्रिटेशन कैसा होगा। तो कंपेयर करते हैं, जैसे पहला इक्वेशन दिया है 1:3, अगर ऐसा कुछ आता है ए वन इज टू ए टू, ये पूरी टेबल मैं आपको दे दूंगा, इस पूरी टेबल में मिल जाएगा, बी वन बी टू, कुछ ऐसा रेशियो अगर मिलता है आपको, मीन्स ए वन अपॉन ए टू का रेशियो बी वन अपॉन बी टू के रेशियो के इक्वल अगर नहीं है, ठीक, तो क्या कंडीशन बनेगी, ग्राफिकली इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी।
ठीक। और सीधा सा फंडा है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी तो सॉल्यूशन कितने होंगे, सिर्फ एक सॉल्यूशन। अगर दो लाइन कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो उनका सॉल्यूशन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक होगा। ठीक, ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू का जो रेशियो है, अगर वो इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है, देन क्या होगा, उस केस में वो दोनों लाइंस अल्जेब्रिकली उनका एक ही सॉल्यूशन होगा, जिन्हें हम एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए क्या है, ए वन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बी टू, अगर ऐसा नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी, और दूसरा है यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ए वन अपॉन ए टू देखिए पहले केस के लिए कितना आया था हमारा रेशियो, 1:3, और बी वन और बी टू का रेशियो हमारे पास कितना है, -2/3, -2/4 है, means ratio will be -1/2। तो देखिए 1:3 and -1:2, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये a1:8 ऐसा रेशियो फॉलो कर, तो ग्राफिकली अगर हम देखेंगे तो ये दोनों लाइंस कैसी होंगी, ग्राफिकली ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी। सॉल्यूशंस यूनिक सॉल्यूशन होगा। सिंपल सा है, अगर लाइंस दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनका सॉल्यूशन क्या होगा, जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगी, दैट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो वही क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हमें यही जानना है। ठीक, सेकंड, सेकंड क्या है, ए वन ए टू इज इक्वल टू बी वन बी टू इज इक्वल टू सी वन सी टू, अगर ऐसा रेशो आता है तो दोनों लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, एक दूसरे को पर को रिट्रेस करेंगी, एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन सपोज दैट ये हो गई। तो इस तरीके के केसेस में क्या होगा, जितना भी इनका कॉमन पोर्शन है एक्सटेंड करती जाएंगी, तो इनफिनिटली इसमें क्या होगा, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो इस केस के लिए क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन होंगी ग्राफिकली, और अलजेब्रिकली इंटरप्रिटेशन क्या होगा, ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। थर्ड केस क्या है, ठीक, अब थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस में देखिए ए वन ए टू और बी वन बी टू का तो रेशियो सेम है, लेकिन सी वन सी टू का रेशियो जो है वो इक्वल नहीं है, अगर ये केस बनता है। इस केस में क्या होगा, दोनों लाइंस ग्राफिकली पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, और पैरेलल लाइंस के केस में क्या होगा, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। ठीक है, दोनों लाइंस अगर एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इट मींस क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही था। ठीक है, ग्राफिकली जब इन चीज़ों को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। मुझे लगता है इसमें इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ क्वेश्चंस पे आएंगे। जैसे एग्जांपल है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस
आर इनकंसिस्टेंट इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली. अगर क्या है कंसिस्टेंट है, यहाँ पे लिखा है एक वर्ड कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, हैविंग एनी सॉल्यूशन. अगर एक भी सॉल्यूशन है तो उसे क्या करना है, ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है, रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, सॉल्वेबल है, अगर कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंटली उसे सॉल्व कर सकते हैं, देन हमें उन्हें सॉल्व करना है. तो देखिए पहले तो हमें ये चेक करना है इनका रेशियो कंसिस्टेंट है भी या नहीं है. कंसिस्टेंट किस केस में होगा, जब यूनिक सॉल्यूशन हो, कम से कम एक सॉल्यूशन ज़रूर हो, तभी ये कंसिस्टेंट होंगे. तो कंसिस्टेंट होने के लिए देखिए पहला क्या है, x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. दूसरी इक्वेशन दी है 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. यहाँ चेक करिए a1 a2 का रेशियो 1/2, b1 b2 का रेशियो 3/-3, और तीसरा है c1 c2 का रेशियो -6/-. कैंसिल करेंगे दैट इज 1/2. ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा इस तरीके से. तो a1/a2 यहाँ देखिए a1/a2 1/2 है विच इज नॉट इक्वल टू b1/b2. अभी हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए क्या है, इक्वेशन पहली है हमारे पास x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. यहाँ से हम टेबुलर फॉर्म में दोनों लाइंस के इक्वेशंस निकालेंगे. देखिए x और y, मैं ऑलरेडी इस चीज़ को बता चुका हूँ. देखिए x y में क्या है, x की वैल्यू सपोज दैट हम 0 लेते हैं, ठीक है, देन इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा y की वैल्यू, x की वैल्यू 0, देन y की वैल्यू इतनी आएगी 3y इज इक्वल टू 6, देन y विल बी 6/3 दैट इज 2. दूसरी कोई एक वैल्यू ले लेते हैं हम, ठीक है, कोई एक वैल्यू लेते हैं 6 सपोज कर लेते हैं हम. यहाँ पे y की वैल्यू एक बार 0 ले लेते हैं, देन x विल बी 6. इस तरीके से ये इस लाइन के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आ गए, 0,2 और दूसरा क्या है 6,0. इसको क्या करेंगे हम, ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लेंगे ऐसे इस तरीके से. पहला पॉइंट 0,2 ये हो गया, और दूसरा ये 6,0 ये पॉइंट हो गया. इस लाइन को हमने प्लॉट कर लिया ग्राफ पेपर पर. दूसरी लाइन भी इसी तरीके से हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लेंगे सेम ग्राफ पेपर पर. ये है आपका ग्राफ पेपर. तो पहले क्वेश्चंस में हमारे पास क्या था, 0,2 और दूसरा क्या है 6,0. 0,2 कहाँ पे लाई करेगा, ये है 0,2 और 6,0 ये पॉइंट है. अब हम इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनकर के आएगी. ठीक, इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. सिमिलरली आपको क्या करना है, इसी सेम ग्राफ पेपर पर दूसरी लाइन को भी ड्रॉ करना है. दूसरी लाइन हमारे पास क्या है, एक तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12. एक बार x की वैल्यू 0 कंसिडर करिए, x की वैल्यू 0 कंसिडर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, y की वैल्यू आएगी -4, और y की वैल्यू 0 कंसिडर करते हैं, देन x की वैल्यू हमारे पास आएगी 6. तो पॉइंट्स क्या होंगे हमारे पास, 0,-4 और दूसरा पॉइंट क्या है 6,0. इन दोनों को प्लॉट कर लेंगे. 0,-4 क्या है हमारे पास, 0-4 यहाँ पे लाई करेगा, और 6,0 पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा. इस तरीके से हम दोनों को जब ज्वाइन करेंगे एक स्ट्रेट लाइन बन करके आएगी इस तरीके. इक्वेशन क्या है, 2x-3y इज इक्वल टू 12. ठीक, अब इन दोनों को हमने ग्राफिकली क्या किया, रिप्रेजेंट कर लिया.
अब देखिए एक पॉइंट इन दोनों में क्या है, कंसिस्टेंसी के लिए हमने बताया था क्या है, दोनों में से एक पॉइंट क्या है कॉमन होना चाहिए। तो ये पॉइंट क्या है, 6, 0, दोनों ही पेयर ऑफ लाइंस के लिए क्या आ रहा है, ये पेयर ऑफ लाइंस के लिए कॉमन आ रहा है। इट मीन्स इट इज कंसिस्टेंट, ठीक है। तो यही कंसिस्टेंसी आपको यहाँ पे चेक करनी थी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम से आपको शाम 4 बजे @4 PM पर डे आपको मैथ्स की एक वीडियो ज़रूर मिल जाए, ठीक है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इसी के साथ गुड बाय, थैंक यू।